किसी विधि पर गति से वाहन को अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए जो व्यंजक होता है उसको ज्ञात करना है। इसके लिए क्या किया है, शर्त दिया है कि जब घर्षण शून्य है, सेकेंड सड़क समतल है तब, और सड़क गंभीर है तब। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डायग्राम से क्या होता है। एक कार है, एम्ब्रामर का कार है, ठीक है, वो थीटा कोण, मतलब जो थीटा कोण बन रहा है वहां पर रखा है कार, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, जो कार है थीटा कोण पर वृद्धि गति से, क्या हो रहा है, द्रव्यमान की कोई थीटा ढाल वाली सड़क पर आप त्रिज्या के वृद्धि मार्ग पर गति करता, मतलब वृद्धि मार्ग पर गति कर थीटा कोण बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें एम जी, क्या है इसमें कार का द्रव्यमान है जो नीचे की ओर लगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अभिलंब प्रतिक्रिया आर ऊर्ध्वाधर वर्सेस थीटा कोण पर है, ये आर अभिलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर पर है, और ये दो घटक देती है अभिलंब प्रतिक्रिया, क्या देता है आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद ये एफ क्या है, जमीन और टायर के बीच जो लगता घर्षण बल वो एफ, ये भी दो घटक दे रहे हैं एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलता है, कार का जो भार है नीचे वो है, और एफ साइन थीटा, ठीक है, उसमें दो घटक मिल रहे हैं, और क्या मिल रहा है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। उसके बाद एफ, एफ क्या है घर्षण बल फोर्स साइड पे इक्वल टू क्या है म्यू आर, म्यू म्यू क्या है गति घर्षण गुणांक है, और आर क्या है अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है। तो देखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या मिला हमको, तो एम जी इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, यहां पे एम जी की वैल्यू निकालने के लिए इसको राइट लेफ्ट करके फोर्थ इक्वेशन का। उसके बाद बाय इक्वेशन टू एंड फोर डिवाइड करते हैं, तो क्या मिल जाता है देखते हैं, एम जी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, अपॉन एम जी। उसके बाद आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये हुआ। उसके बाद अपॉन में क्या हुआ, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं इक्वेशन में, एफ कॉस थीटा है उसको पूरे इक्वेशन में उसका डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलता है, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा प्लस ये एफ कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन आर साइन थीटा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा प्लस एफ अपॉन आर, फिर अपॉन आर कॉस थीटा, तो अपन सब में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका अपॉन एलिस क्या हो जाएगा, वन एंड इक्वल टू वन माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे इक्वेशन क्या मिलता है, साइन कॉस क्या हुआ टेन, तो टेन थीटा प्लस एफ आर क्या है, हमने एफ आर इस म्यू का वैल्यू निकालना है, तो एफ आर हुआ तो प्लस म्यू, उसके बाद अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। टेन कौन सा है, ये साइन और कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से म्यू टेन थीटा, ठीक है। तो इसके बाद यह बनता है वी स्क्वायर है अपॉन आर जी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी का गुणा इधर करेंगे, तो आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। तो यह अपन का व्यंजक मिल गया। उसके बाद इसका जो तीन स्पेशल केस देखे थे, जब व्यंजक पूछ रहा था उस टाइम की स्थिति में उसका व्यंजक निकालना, तो आगे देखते हैं हम लोग।
इक्वल टू आर जी टेन थीटा, ठीक है। तो इसमें हम क्या आगे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर हट आगे लेते हैं, बी इक्वल टू इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये आप लोग का फर्स्ट जब घर्षण शून्य हो उसके डायमेंशन मिला। अब सेकेंड देखते हैं क्या है, जब सड़क समतल हो तो इक्वेशन फिर से अपन थीटा इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू आर जी ब्रैकेट टेन जीरो प्लस म्यू वन माइनस म्यू टेन जीरो, ठीक है। तो रखते वैल्यू इसमें ये आर जी काफी ज्यादा, तो उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है आर जी म्यू, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर टाइम को अंडर रूट चढ़ेगा, तो v इक्वल टू अंडर रूट न्यू आर जी, यह अपने का व्यंजक है जब सड़क समतल हो तब। अब थर्ड है जब सड़क बंकित हो तब क्या करते हैं, इक्वेशन फाइव इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो v इक्वल टू अंडर रूट आर जी ब्रैकेट टाइम थीटा प्लस न्यू अपॉन वन माइनस न्यू टेन थीटा, ठीक है। यह पर किसी व्यक्ति मोड पर गति